फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और यहां पर सारा काम मॉर्निंग का हो चुका है। तो यहां मेन गेट के सामने हम थोड़ा सा गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स करके लिपाई पुताई करने में लग गए हैं, और मिट्टी वही है जो पोतनी मिट्टी है, उसी मिट्टी को गोबर में मिक्स करके हम पुताई कर रहे हैं। और वैसे भी कल हमें कमेंट भी आया था कि आप इस मिट्टी में थोड़ा गोबर मिला के और पुताई करके दिखाइए। और वैसे आज शुक्रवार का दिन भी है, तो शुक्रवार के दिन थोड़ा ही बहुत, लेकिन जैसे कि कहीं ना कहीं गोबर का लिपाई कर देते हैं। तो बस आज वही मेन गेट के सामने करने लग गए हैं, गोबर का और मिट्टी का मिलाकर दोनों मिक्स करके पुताई करने में। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो बस सब यहाँ हमारा मेन गेट का पुताई चालू हो गया है, और मेन गेट का बस इतना ही नीचे जहाँ बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, वहाँ का ही जगह क्लीन था, और इसके ऊपर का जो जगह अभी मैं पुताई कर रही हूँ तो ये बस ईंट ही फैलाए हुए थे, लेकिन उसमें जैसे कचरे वगैरह जो होते हैं ईंट में फंस जाता था जाकर, तो उसको मैंने आज मिट्टी से, इसी मिट्टी को हम थोड़ा भरभरी सी करने के बाद यहाँ पर कर दिया है अच्छे से मिट्टी का भराई। और इसके बाद से फिर पानी का हमने जैसे छीटा दे दिया था, मिट्टी फूल गया अच्छे से, वहाँ गोबर रखने के बाद वहाँ का पुताई करके हम क्लीन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ जो बाइक वगैरह खड़े होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे से सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े हैं फ्रेंड्स, तो इसका करना है साफ़ सफाई। तो सारे सामान यहाँ से निकाल देंगे, और इसके बाद से पूरा ये जो नीचे का फर्श है ऐसे ही हमें क्लीन करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। तो अभी इतना हमें दिख रहा था सामने, तो मेन गेट के सामने ही पड़ता है, तो हमने कहा इतना जगह खाली दिख रहा है तो इसको हम पहले कर देते हैं आज, और थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मिट्टी लगेगा काफ़ी सारा, और मिट्टी को पहले हमें अच्छे से जैसे भरभरी सी करना पड़ेगा, उसको फोड़ना पड़ता है, क्योंकि सूखी सूखी सी मिट्टी होती है तालाब की ये पोतनी मिट्टी, और लाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है। तो बस थोड़े थोड़े मिट्टी लाएंगे, और थोड़ा थोड़ा काम भी होगा हमारा जो यहाँ का फर्श क्लीन करना है उसका। तो बस अब उधर का हो चुका है, तो बस अब यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो जगह है फ्रेंड्स क्लीन रहता है बराबर से। यहाँ का हम मेन गेट के पास जैसे मॉर्निंग के टाइम थोड़ा बहुत मिट्टी का या गोबर का कुछ ना कुछ का यहाँ पुताई कर ही देते हैं, क्योंकि जैसे जो गेट होता है गेट के सामने हम धुलाई वगैरह करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर जैसे फर्श कच्चा हो तो पुताई भी कर देना चाहिए। तो बस यहाँ का काम है जो है डेली का ही होता है, लेकिन डेली नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जैसे कि कई सारे हमारे फ्रेंड्स जुड़े होते हैं, उनको लगेगा कि एक ही जगह का पुताई लिपाई हम डेली ही दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को डेली डेली नहीं दिखाते हैं, कभी कभी दिखा देते हैं। तो बस आज हमने जो भी है सारा काम करने के बाद हमने कहा यहीं से अपने ब्लॉग का शुरुआत करते हैं, इसके बाद से फिर पीछे चलेंगे, क्योंकि पीछे का जो हमने चौतरा टाइप में बनाया है गेट के सामने, तो उसको भी आज ठीक करना है। और वो जो मिट्टी है बहुत कंकड़ वाली है फ्रेंड्स, काफ़ी सारा कंकड़ हमने कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया ही कि बहुत ज़्यादा कंकड़ निकला था, तो उसको हमने हटा दिया वहाँ से, तालाब के किनारे रख दिया, और इसके बाद से उसको पानी डालकर उसमें अच्छे से पानी का प्रेशर देने के बाद उसको फुला दिया था। तो वो भी आज हमें गोबर और थोड़ा मिट्टी डालकर उसको भी हम थोड़ा क्लीन कर देंगे, जैसे थोड़ा बहुत आज फर्स्ट लिपाई वहाँ का हो जाएगा, तो जो भी है कंकड़ जब बैठ जाएगा तो दोबारा जब लिपाई करेंगे तो वहाँ का लिपाई अच्छे से होगा, तो उसको भी आज कर देते हैं। इसके बाद से फिर जो भी वहाँ का काम है फ्रेंड्स बाद में करेंगे, जो अभी के टाइम पे पीछे का काम हम करने वाले हैं, सारे काम को करने के बाद वो जो गेट के सामने का काम है उसको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा गेट के सामने का एकदम जगह क्लीन हो चुका है, और इसके बाद से इतना जगह और छूटा है तो इसको हम कर देते हैं। जगह तो काफ़ी है फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमें मिट्टी पटाई काम करना है, जैसे कि थोड़े थोड़े करके यहाँ पर मिट्टी रख देंगे हम, इसके सामने ही जस्ट जो मोरी बनाए हैं छोटा सा, तो बस उसके आजू बाजू हमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी भराई का काम करना है, और मिट्टी भराई का जब काम हो जाएगा तो फिर वहाँ का जगह भी क्लीन कर देंगे।
और धूप काफ़ी तेज़ से हो चुका है फ्रेंड्स, और बहुत तेज़ 8 बज रहा है, लेकिन धूप 8 बजे ही बहुत ज़्यादा तेज़ वाला हो जाता है। बिल्कुल भी धूप में ना ही कोई काम करने का मन करता है, और ना ही अगर हम अपना जैसे कि कैमरा सेट कर दें तो हमें इस टाइम पे पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा ब्लॉग शूट हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बस हम सेट कर दिए हैं कैमरे को और थोड़ा थोड़ा हम ध्यान तो दे रहे हैं कि कुछ शूट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। तो बस ऐसे ही हम अपना काम करते चले जा रहे थे, और इसके बाद से जो भी ब्लॉग शूट हो पाया आप लोगों से शेयर भी कर रहे हैं। और इस कड़ी धूप में लिपाई पुताई करना तो बहुत मुश्किल का काम है। जैसे छाए में काम हो फ्रेंड्स, कितना भी मेहनत का काम हो, बहुत ही आराम से मेरा हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। लेकिन धूप जब लगने लगता है तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन अब जो काम ज़रूरी है उसको करना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ तक तो आ चुके हैं, और यही रास्ता ठीक पीछे तक जाएगा। और ये जो मोरी दिख रहा है, बाल्टी दिख रहा है फ्रेंड्स, इसके आजू बाजू हमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी पटाई का काम करना है। तो अभी इस साइड इसीलिए हमने छोड़ दिया है कि जब मिट्टी का पटाई हो जाएगा इस साइड, तब यहाँ का कर देंगे अच्छे से लिपाई पुताई। और पूरा गेट के सामने से लेते हुए ये रास्ता पीछे वाला भी, और जो सामने जैसे पूरा सामने तक रास्ता गया है, तो वो भी सब क्लीन एकदम साफ दिखने लगेगा और अच्छा भी लगने लगेगा। तो बस अभी के टाइम पे अभी थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ मिट्टी का काम करेंगे, पटाई का काम, क्योंकि धूप हो जाता है मॉर्निंग से फ्रेंड्स, और लगने लगता है धूप को देखकर आलस। लेकिन जो काम होते हैं छोटे छोटे उसको तो करना ही ज़रूरी है। तो जो भी काम है सारे काम को करते करते इतने टाइम हो गए, उसके बाद से चाय पिया हमने, और चाय पीने बैठते हैं तो थोड़ा टाइम जैसे 15-20 मिनट कम से कम चाय पीने बैठते हैं, तो उतने टाइम तक मॉर्निंग में सनी के पापा के साथ बैठते हैं, और जैसे चाय पीना हो गया और थोड़े बहुत उनको भी मॉर्निंग में टाइम देते हैं, और इसके बाद से फिर लग जाते हैं अपने छोटे छोटे काम को समेटने में। तो फिर हमें टाइम मिलता है बस वही 10 बजे। तो 10 बजे के बाद नहाना और जो भी है हमारा दोपहर का लंच, और जो समझिए फ्रेंड्स एक ही बार होता है। तो फिर नहाने खाने के बाद फिर थोड़ा सा बैठ जाते हैं, वो भी आराम नहीं होता है, बैठ जाते हैं अपना जो भी हमारा ब्लॉग शूट हुआ होता है उसका एडिटिंग करने के लिए, और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से लग जाता है उसमें भी। तो बस जब एडिटिंग हो जाता है उसके बाद वीडियो का एंड और अपलोड करने के बाद, तो फिर छोटे छोटे काम, फिर तब तक शाम हो ही जाता, होने ही लगता है। तो फिर सभी कामों में लग जाते हैं अपने काम को करने में, और जो हार्ड वाला काम होता है फ्रेंड्स मॉर्निंग में ही करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही मिट्टी धूल सभी काम को करते हैं और तुरंत से नहा लेते हैं तो फिर शरीर सही भी रहता है। मॉर्निंग में सारे काम जैसे हमारे जो भी होते हैं जितना हम सोचे हुए होते हैं उतना कर लेते हैं। और यहाँ पीछे का भी काफ़ी सारा हम लकड़ी यहाँ पर रखे हुए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम बुलाए थे जैसे कि होते हैं मजदूर वगैरह, तो उन्हीं को बुलाए थे, सभी लकड़ी को हमको जैसे फड़वा कर जो बोलते हैं ना चिरवा कर उसको रखना था, तो रख लेंगे तो फिर सही रहेगा। बारिश वगैरह में कभी चूल्हे का भी अगर हमें मन कर देगा खाना खाने का, तो अगर अपने पास सभी चीज़ का व्यवस्था रहता है तो सही रहता है। तो हमने कहा बस एक दिन हम बुला लेते हैं किसी भी मज़दूर को, और उसको लकड़ी काफ़ी सारी है तो उसको हम चिरवा कर और रख देंगे, पड़ा रहेगा। लेकिन बुलाए थे वो आए नहीं, चले गए, और कह के गए हैं कि फिर कल आएंगे, जो भी लकड़ी है चीर देंगे, तो कल आएंगे लकड़ी को चीरने के लिए। तो हमने कहा सनी से कि यहाँ से हटवा दो, और काफ़ी रास्ते में इधर उधर फैला पड़ा था, सभी को निकलवा दिया था उन्हीं से, और फिर उनका कॉल आ गया तो उनको जाना पड़ा अपने घर। तो फिर बोल के गए हैं कि कल आकर हम जितनी भी लकड़ियाँ हैं सभी चीर कर रख देंगे, और काफ़ी फैला पड़ा था पीछे का जो जगह है, तो झाड़ू वगैरह भी हम नहीं दिए। हमने कहा जो भी लकड़ी वगैरह चीरने का काम है सभी काम ये कर लेंगे, उसके बाद से फिर हम लकड़ी चिराई का काम करेंगे। और यहाँ बस वही चौकट जो बनाए हैं, जो मिट्टी का ढेर लगा था पीछे गेट के नीचे, तो फिर हमने कहा उसको सही कर देते हैं, और सही कर दिए थे। कल हमने पानी का प्रेशर उसे दिया था, और आज जो है कि थोड़ा सूख गया है वो, तो थोड़ा सा गोबर और यही पोतनी मिट्टी और गोबर का लिपाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा, जैसे गोबर में ये मिट्टी मिक्स करने के बाद भी कलर इतना खूबसूरत सा लग रहा था, और भी इसमें मुलायम जैसे एकदम मक्खन जैसे हाथ अपने आप ही स्लिप होता था। तो बहुत अच्छा है ये मिट्टी,
लेकिन फिर हमने कहा पीछे का तो ये जो चौखट बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, ये कंकड़ वाली मिट्टी है, तो कितना भी अच्छा इसमें मिट्टी या गोबर डालकर हम इसका पुताई करेंगे लेकिन कंकड़ तो हाथ में आएगा ही, जो दबा होगा इस मिट्टी में। तो बस ऐसे करके इसको हम हाथ से ही चिकना करते चले जा रहे हैं। और इस ज़मीन को सोचिए, इतना सा ज़मीन है और इसमें से हम काफ़ी सारे कंकड़ छाँट कर फेंक चुके हैं, और बिना फेंके हुए हम पूरा पीछे का जितना जगह दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हमने इस जगह को ठीक किया था, जैसे कि पूरा पुताई उताई करके एकदम फर्श को क्लीन किया था ताकि चिकना सा हो जाए, और बहुत मेहनत लगा था। हाथों हथेलियों में भी मेरे दर्द होने लगा था उस टाइम पे, हथेली भी जैसे चीर गए थे हमारे बहुत कंकड़ पत्थर से, तो लेकिन मेहनत तो किया फ्रेंड्स, लेकिन सफल हो गया तो अच्छा भी लगता है। अब यहाँ जो भी सामान अभी फैले पड़े हैं तो देखने में थोड़ा सा जैसे भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन काफ़ी सामान जैसे कि कुछ यहाँ पर जो तालाब के घास वगैरह हैं उसको भी कटवा कर हम साइड साइड में रखवा दिए हैं, क्योंकि ये सूख जाएगा तो उसको किनारे करवा देंगे एक साइड कहीं, तो जिधर ईंट वगैरह रखे हैं उधर करवा देंगे, तो थोड़ा सा इस जगह का जगह भी खाली हो जाएगा, नहीं तो फिर अभी के टाइम पे फेंक देंगे फ्रेंड्स तो हरा हरा है, टूटने के बाद तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि बस ये अच्छे से सूख जाए तब इसको हम हटाकर एक साइड लगवा के रख देंगे, कभी भी काम में आ सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपने पास व्यवस्था होना चाहिए फ्रेंड्स, तो कभी जिस चीज़ का हमें ज़रूरत हो यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं वही कंकड़ वाला, जो कंकड़ है उसको बहुत ही आराम से इस कंकड़ को हाथों से हम हटा रहे हैं, तो क्योंकि कंकड़ लग भी जाता है कभी कभी हथेली में, तो इतना ही जगह था जितना हम बनाए हुए हैं ये चौकट, तो उतना ही जगह हम क्लीन कर लिए, उसके नीचे का जो जगह है फ्रेंड्स उसको भी ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा नहीं, बस उसके नीचे का जो जगह हम जहाँ तक मिट्टी ऊंच खाल टाइप में था तो मिट्टी भराई किए थे तो उसको भी ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। अभी तो ये चौकट ही जो बनाए हैं वो उसी का पुताई चल रहा है, क्योंकि लंबा सा ये गेट है तो गेट के जितना गेट का लेंथ है उतना हमने चौकट का भी लेंथ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ चौकट तो नहीं बना रहे हैं, बस वो ऐसा देखने में चौकट का लुक लगे फ्रेंड्स, आगे आने वाले टाइम में हम यहाँ पर कुछ दूसरा ही बनाने वाले हैं, तो अभी तो सोच रहे हैं फिर देखते हैं कि वो भी हो पाता है या नहीं हो पाता है। ब्लॉग में आप लोगों को सब कुछ जो भी यहाँ पीछे का हमें नया लुक देना है फ्रेंड्स, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि अभी तो धूप इतना ज़्यादा हो जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से ही धूप हो जा रहा है कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बाहर का जो भी छोटा मोटा काम है वो भी करने का मन नहीं होता है जब धूप लगने लगता है, तो इतना काम करते करते मुझे 9:30 बज गए थे पीछे का ही, क्योंकि साहब जो छोटे मोटे लकड़ी फैले हुए थे उसको हमने हटाया, और जो बड़े बड़े से हमने फड़वाने के लिए रखे थे उसको भी सनी को बुला लिया, थोड़ा सा हेल्प लिया सनी का और उसको भी हटवा दिया। इसके बाद से फिर और जो भी है सारे काम को करने के बाद हमने कहा बस इसका पुताई कर लेते हैं और चलते हैं, थोड़ा बहुत ही जो भी काम है लिपाई पुताई ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिला, और जो भी मॉर्निंग से उठे तो झाड़ू वाड़ू का काम बाहर का ही दिए थे, और मेन गेट का सामने का जो होता है, और पीछे तो झाड़ू लगाए नहीं थे, और आज का गोबर का भी पथाई नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हमें गोबर चाहिए था लिपाई पुताई के लिए, थोड़ा सा ही गोबर होता है क्योंकि बछिया हमारी छोटी सी है तो थोड़ा बहुत ही होता है, तो उतना जितना हुआ था हम मिट्टी में मिक्स करके सभी गोबर को लिपाई पुताई में यूज में ले लिए, तो लिपाई पुताई के काम में आ गया। हालांकि यहाँ देख सकते हैं नीचे बस मिट्टी ही मिट्टी बच गई है, गोबर थोड़ा सा भी नहीं बचा, तो हमने कहा मिट्टी से ही काम चला लेते हैं, बस थोड़ा सा क्लीन हो जाए इसके बाद से फिर यहाँ नीचे का भी अच्छे से पुताई करेंगे, और जो भी है ऊपर का जो चौकट बनाए हैं उसका भी पुताई अच्छे से हो जाएगा। और धूप का हाल आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी तेज वाला धूप हो चुका है, बहुत अच्छे से धूप हो चुका है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये काम भी मेरा पूरा ही होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है तो उसको भी पूरा कर लेते हैं।
और यहाँ पीछे का जो जगह है फ्रेंड्स, अगर यहाँ भी एक दिन सफाई ना करें तो फिर लगता है जैसे झाड़ू उड़ू का काम नहीं करते हैं, तो जैसे लगता है कई दिन से यहाँ भी झाड़ू ही नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ भी पेड़ पौधे हैं पीछे के साइड तो फिर सारे जैसे उड़ते रहते हैं हमेशा धूल मिट्टी, और हवा का तो पूछिए मत, हवा इतना तेज़ चलता है पूरे दिन कि एकदम कोई भी काम हम अगर जैसे वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम रहता है। वीडियो का एडिटिंग में तो कोई बात नहीं है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन वॉइस ओवर जब करते हैं तो बिल्कुल जैसे हवा का गड़गड़ाहट सुनाई ही देता है, लेकिन फिर कैसे भी करके हमको काम अपना तो करना ही पड़ेगा। तो बस अभी आज तो हम कोई भी झाड़ू उड़ू का काम नहीं दिए, जो तख्त दिख रहा है इसको भी साइड में करवाना है, सभी सामान यहाँ का एक साइड से करना है हमें, और तुलसी के गमले में मिट्टी उट्टी भरे थे मॉर्निंग में ही फ्रेंड्स, वो सब क्लिप हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए, तो हम क्योंकि लिपाई पुताई का ही वीडियो हो जाता है काफ़ी लेंथ ही, तो इसलिए हम जो भी छोटे छोटे क्लिप होते हैं फ्रेंड्स उसको स्किप करना ही पड़ता है मुझे। कैसा लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ता है, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो सपोर्ट भी कीजिएगा एक लाइक देकर, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर पीछे ही हमने अपने वीडियो का एडिटिंग किया, और इसके बाद से हमने कहा बस वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, और आज हवा बहुत ही स्लो है फ्रेंड्स, हवा तो चल रहा है लेकिन पत्तियाँ वगैरह देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही, तो आज का हवा काफ़ी ठीक ठाक है, और बिल्कुल जैसे हवा का आवाज़ तो नहीं गया होगा, लेकिन जो ये गाड़ी मोटर है फ्रेंड्स उसका आवाज़ गया होगा, क्योंकि यहीं से सीधे सड़क सामने ही पड़ता है, तो फिर यहाँ से भी दिखता है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को जो भी गाड़ी मोटर आ जा रहे हैं, तो हम थोड़े से कैमरे को जूम करके आप लोगों को दिखाएं, शायद दिख सके तो उस साइड से तो दिखा कि नहीं दिखा अब हमें तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उधर से सूरज की किरणें हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ हम अपने वीडियो का जो भी है सारा काम कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो हमने कहा वीडियो का बस एंड भी कर ले आप लोगों से थोड़ा सा बातें करके, तो यहाँ देख सकते हैं ये सारे सूख चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कसर रह गया है सूखने का, तो जैसे ही सूख जाएंगे वैसे यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये जगह भी कवर करके रखा हुआ है और देखने में भी ठीक नहीं लग रहा है। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स तो गांव में जो गांव से होंगे उनको पता होगा कि ये जो बड़े बड़े से घास होते हैं तालाब के, बहुत ही काम की चीज़ होते हैं, किसी भी काम में हम ले सकते हैं, जैसे कभी हमें ज़रूरत पड़ा छप्पड़ का तो उसको भी बना सकते हैं, या हमें टाटी वगैरह बनाना है कहीं तो उसके लिए भी ये काम में आ जाता है बहुत ही अच्छे से, तो इसीलिए हमने कहा मेहनत तो कर दिए हैं, मिट्टी नहीं जाने देंगे फ्रेंड्स, इसको हमने उठाकर इकट्ठा एक जगह अभी खड़ा करके रख दिया, सूखने के बाद इसको हम एक जगह कहीं रख देंगे एडजस्ट करके, तो फिर सही हो जाएगा, जैसे सूख जाएगा तो फिर टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा, एक जगह पड़ा रहेगा। तो वीडियो को अब लेंथ ही नहीं करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो का कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।